करीब एक साल बीत जाने के बाद भी पुलिस उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। भले इस मामले में कई के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई आरोपी फरार हैं। यही वजह है कि पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में अब उमेश पाल हत्याकांड में फरार अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी के घर की कुर्की होने के बाद अब पत्नी शायस्ता परवीन के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। इतना ही नहीं, शायस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम भी है। वहीं माफिया की पत्नी की तलाश में पुलिस और एसटीएफ लगी है, लेकिन कोई एजेंसी शायस्ता को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। शायस्ता परवीन के अलावा 5 लाख के इनामी अरमान के घर की कुर्की होनी बाकी है। इससे पहले अरमान की पत्नी जैनब और शूटर गुड्डू मुस्लिम समेत 4 के घर पर पुलिस ने कुर्की की थी। बता दें कि अतीक अहमद की पत्नी शायस्ता परवीन पर कई संगीन आरोप हैं। उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद के साथ पत्नी शायस्ता परवीन को भी नामजद किया गया था। शायस्ता परवीन पर आरोप है कि उसने हत्या की साजिश रची, शूटरों को रुपए मुहैया कराया, शूटरों को पनाह दी। इसके अलावा वो अतीक के जेल जाने के बाद काली कमाई की वसूली करती थी। फरार शायस्ता पर इनाम घोषित करने के बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है। अब कोर्ट के आदेश पर शायस्ता के घर की कुर्की होनी है। हालांकि शायस्ता का कोई घर बचा नहीं है, क्योंकि अतीक का पुश्तैनी मकान समेत दोनों मकानों को पीडीए जमीन दोज कर चुकी है। इसी तरह 5 लाख के इनामी अरमान के बारे में चर्चा है कि वो बिहार भागा है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अफवाह उड़ी थी कि अरमान ने बिहार में सरेंडर कर दिया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन अब खबर है कि पुलिस अरमान के सिविल लाइन से स्थित किराए के मकान में कुर्की करेगी। वहीं दूसरी ओर उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस अतीक की बहन आयशा नूरी के साथ उसकी बेटी की भी तलाश कर रही थी। वो अतीक के बेटे के संपर्क में थी। अतीक के बेटे से चैटिंग का साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने आयशा नूरी के साथ उसकी बेटी की तलाश में भी छापेमारी की थी। हालांकि पुलिस की सक्रियता बढ़ते ही माँ बेटी दोनों एक साथ गायब हो गयी। दोनों में पुलिस अब तक किसी की तलाश नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि दोनों को किसी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिया गया है। यही कारण है कि अतीक की पत्नी शायस्ता, अशरफ की पत्नी जैनब, अतीक की बहन आयशा नूरी समेत कई महिलाओं को पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।